अमरोहा की, जहां हसनपुर में मासूम बच्चे से छेड़छाड़ के मामले में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत ने आरोपी को ऐसी सजा सुनाई कि जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। संवाददाता चांद अंसारी की एक खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे पंचायत ने मामले को रफा दफा किया। आदमपुर इलाके में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को गांव की पंचायत ने महज 5 जूते मारने की सजा सुनाई, पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। वही मामले के मीडिया में आए जाने के बाद जनपद के पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच कराकर कार्यवाही की बात कही। इसमें इस प्रकार की खबर अखबारों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया है, इसके लिए हमने जो थाना प्रभारी है उनको गांव में भेजा है। लोगों से बातचीत की जा रही है, बालिका और परिजनों से भी बातचीत की जाएगी और जो भी उनकी तहरीर होगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अपने भाई के साथ खेत में खेल रही थी, वहीं बच्ची के परिजन बाहर गए हुए थे, तभी गाँव का एक युवक वहाँ आया और बच्ची की माँ की तबीयत खराब होने का हवाला देकर बच्ची को अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपी युवक बच्ची के साथ अजलील हरकतें करने लगा। जब बच्चे ने शोर मचाया तो आरोपी बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कल जो गांव में मामला हुआ है, क्या मामला था? ए, मामला ये था, ये लड़के कुछ हरकत सी हुई पर हमारी लड़की आएगी सीमा, तो ये जो लड़का मतलब हाथ पैर जोड़न लगा और जो कहने लगा जी कुछ नहीं है, मतलब बुलाया हमने तो फिर ये परिजन अभी आए इनके, हमने इनसे कहा, इन्होंने जो कुछ आनाकानी सी करी तो हम बोले मैंने सुसरा अभी ये मामला ऐसा नहीं है तो फिर हरकत करेंगे कब, मानोगे बात नहीं? फिर कुछ नहीं, फिर जो इन्होंने डाटा डाटा सब परिजन आए गए तो उसमें मामला शांत हो गया और सब फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ था? फैसला कुछ नहीं हुआ, फैसला ये हो गया कि अंदाज़ है ना तो हम इनके घर जाएंगे ना ही कैसी ऐसी हरकत करेंगे लड़के ने जो माफ़ी मांगी। अच्छा, उसको सुना पंचायत में पीटा गया? ना, पंचायत कोई नहीं जुड़ी, ना पंचायत तो हम परिजन हैं, हमें तो हम ही इकट्ठे और कोई नहीं था, और ये जैसे आप ठड़े हैं वैसे ही जब थे। बहरहाल जिस तरह से मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है उससे एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई है। टीम CNM। उधर हसनपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। इसे मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाशों पर कई थानों में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए जो घटना को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिनसे एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इनसे तमंचे और 5 कारतूस मिले हैं। ये पूर्व में भी गैंगस्टर और अपहरण और हत्या में जेल जा चुके हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में घटना की फिराक में आए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। यूपी के DFT CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2019 के कुंभ मेले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है, उसके लिहाज से यह कुंभ मेला इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। यूपी के DFT CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में 15 जनवरी से आयोजित होने जा रहे कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ ही देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को कुंभ में आने का न्योता भेजा है। DFT CM ने कहा कि योगी सरकार कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले अतिथियों का अतिथि देवो भव की भावना से स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य स्नान पर्व को छोड़कर कुंभ में देश विदेश से आने वाले लोगों को कुंभ की दिव्यता और भव्यता के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि कुंभ में BJP का शिविर पहली बार लगने जा रहा है, यह शिविर सेक्टर 6 में लगेगा। BJP के इस शिविर में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आकर रुकेंगे और यहीं से संगम स्नान के लिए जाएंगे। टीम CNM। भारतीय रेलवे ने नए साल पर नौकरी की तलाश कर रहे युवकों को बम पर तोहफा दिया है। भारतीय रेलवे की ओर से जूनियर इंजीनियर पदों के लिए 13,000 पदों पर आवेदन मंगवाए जाएंगे। जूनियर इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2019 है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन सभी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उधर रामपुर के टांडा गांव में ईख के खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने से लंबी लंबी लपटें
उठने पर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी तरह ग्रामीणों ने कई घंटों में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। भाई कुछ मदद मिल जाए और क्या, जिसने कर दिया सही है, पता ना किसने करा। अच्छा, तो कोई जानकारी है कैसे जली है? ना ना, ये कोई पता ना, कुछ नहीं पता। अब ये 3 एकड़ गन्ना है, 3 एकड़ में 1 एकड़ मुश्किल से बचा हुआ। अच्छा, सारा गन्ना जल चुका है? सारा गन्ना। ठीक, एक बार फिर से बात करते हैं रामपुर के शाहबाद की, जहां घर में शराब पीने से मना करने पर दो लोगों ने एक शख्स की जोरदार पिटाई कर दी। इस बारे में पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है कि वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित को न्याय का आश्वासन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूरे। भूरे, किस बात को लेकर झगड़ा हो गया? हमारे मकान में दारू पी रहे, हम मना कर रहे। कौन? पप्पू से। पप्पू कौन है? हमारा भाई है, चचेरा। अच्छा, तो उसने, तुमने मना करा तो फिर क्या बोले? तुमने हमें गाली दी। फिर हमें भाई हाथ जोड़े, वो पैर से बेकार है, वो उसको भी लगी है चोट? ना नहीं है ना। तो तुम्हारे ये हमारे ये आपने कोई रिपोर्ट वोट कराई? हाँ करवाई है। अच्छा, करवा दी। क्या लोगों के खिलाफ? दो पप्पू ही हैं। पप्पू अकेले? दो पप्पू,